एक बिजनेसमैन जो होता है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं अगर सोचता हूं, तो एक वॉरियर होता है, एक योद्धा होता है। और आज के जमाने के अंदर किसी भी इंसान को अगर बिजनेस करना है, मतलब जंग लड़नी है। और जंग लड़ने का मतलब ये होता है, जिंदगी के अंदर जब भी हम कोई चीज करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले ऐलान करना होता है। और जैसे ही हम बिजनेस करने का ऐलान कर लेते हैं, वैसे ही चैलेंजेस आनी शुरू हो जाती है। और हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर जब चैलेंजेस आनी शुरू हो जाती है, उसके पास दो चॉइस होती है। सबसे पहली चॉइस क्या होती है? या तो जो समस्या आई है उसके सामने में मेरे घुटने टेक दो, या तो फिर कुछ ऐसा कर जाओ कि मैं रिकॉर्ड ब्रेक कर दूं। और हम सब लोगों को अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होना है और बिजनेस में कामयाब होना है, तो हमें कहीं ना कहीं बाउंस बैक करके हमें अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाने की आवश्यकता है जहां पर हमने जो सोचा है वो चीजों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक जीत होनी चाहिए, जो एक वॉरियर के अंदर होती है, योद्धा के अंदर होती है। तो क्या वो जीत है हमारे अंदर? यस। टीम मैनेजमेंट का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है, हर एक इंसान की जो एबिलिटीज है, हर एक इंसान की जो काबिलियत है, वो काबिलियत को उसके अंदर से बाहर निकालना। जब तक उसकी काबिलियत जो है वो उसके अंदर से बाहर नहीं आएगी, तब तक कंपनी ने जो देखा है गोल, वो गोल को पूरा करने के लिए उनकी काबिलियत जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ताकत होती है और हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां होती है। तो एक लीडर का काम क्या है? हर एक इंसान की ताकत को बाहर लगाना और उसको अपने विजन के साथ अलाइन करना, उसी को टीम मैनेजमेंट कहते हैं। फिर हमने उसके बाद क्या देखा था? लोगों को कैसे रिक्रूट करना है, कोई बताएगा कैसे करना है? रिक्रूट करने का मतलब है वो बच्चों का जो आंकलन करना वाला जो चल रहा था लास्ट टाइम, जो हमने देखा था पूरा, कि ये बंदा या ये बच्चा वॉरियर बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको स्कैन किया जाता था और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता था। तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब क्या है? सामने वाले पर्सन को स्कैन करो, उसकी विल क्या है, उसकी स्किल क्या है। उस पर्सन को पहले दिन बता दो कंपनी का गोल क्या है और उसको अचीव करने के लिए उसको करना क्या पड़ेगा। उसी के साथ उस बंदे को उसी दिन क्लियर कर दो कि आपका रोल क्या रहेगा कंपनी में काम करने के लिए, आपको मिलेगा क्या। ये सारी चीजें डे वन से क्लियर हो जानी चाहिए। और सब कुछ फाइनल होने के बाद हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन उनको दे दें कि आज से अगर आप हमारी कंपनी ज्वाइंट करते हो तो ये हमारे नियम है। बाद में कोई ऐसी चीज ना आए कि सर आ तो तुम्हें मैंने किधेलूज नहीं है, तो पहले से क्लियर कर लो, वहीं पर छटनी हो जानी चाहिए। अगर होगा दम तो आगे आ जाएगा, नहीं होगा तो उधर ही खत्म हो जाएगा बात पूरी। फिर आगे हमने देखा था कि लोग जो है वो हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं। कई बार हमारा माइंड ऐसा होता है कि लोग आते हैं, तैयार होते हैं और चले जाते हैं, क्या वजह है? एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट मैंने वहां पर डाला था, यस, कभी भी कोई भी पर्सन किसी कंपनी को नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको छोड़कर वो कहीं और काम करने वाला है। मतलब काम तो उसको करना ही है, तो प्रॉब्लम क्या है? कंपनी को नहीं, हमें छोड़कर गया है। और एक बिजनेसमैन कई बार सेल्फिश होता है, वो सामने वाले को पता चल जाता है। फिर आगे हमने बात की थी 7 बिगेस्ट मिस्टेक फॉर अ लीडर। ऐसी कौन सी 7 गलतियां है जो एक बिजनेसमैन करता है, कोई बताएगा? विजन नहीं होता है, ग्रेट। और एक बिजनेसमैन की मेंटालिटी नहीं होती है, यस, क्विक डिसीजन नहीं होता है, स्लो डिसीजन रहता है। फिर मतलब ही हुए, सेल्फिश होते हैं। फिर इमोशनल हो जाते हैं बात बात के ऊपर। फिर अगर ये गलती अभी भी आप लोगों को अगर नहीं पता रहेगी, तो जाने अनजाने में फिर से हम वो गलतियां करना शुरू कर देंगे। तो एक बार फिर से आपको वो चेक करना है और आपको वो 7 गलतियों को समझना है। अगर वो गलतियां आज के तारीख में भी अगर होगी तो दिक्कत हमें आएगी। उसके बाद हमने बात किया था कि एक महान टीम कैसे बन सकती है और एक महान टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उसके 11 स्टेप हमने देखे थे, कोई बताएगा? पावर ऑफ डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। फिर जैसे ही वो अंडर एंटर होता है तो उसको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि भाई हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, तो उसको एक विजन अलाइन करना। फिर उसके अंदर की जो ताकत है उसको बाहर निकालना।
फिर उसको कमिटमेंट देना, उससे कमिटमेंट लेना, फिर पावर ऑफ डुप्लीकेशन जो आपने बोला, रिटर्न में कमिटमेंट लेना, वीकली मीटिंग करना, डेली उससे रिपोर्ट लेना, डेली उसको फीडबैक देना, जब अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना, अवार्ड रिवॉर्ड उसके साथ सेट करना। और लास्ट में मैंने एक चीज़ आप लोगों को शेयर की थी, सीक्रेट्स, कि कभी भी आपका बिजनेस किसी एक पर्सन के ऊपर 100% डिपेंड ना हो, इसलिए आपको ऑलवेज डेप्थ बिल्डिंग करना है। तो 11वां स्टेप हमारा था डेप्थ बिल्डिंग करना। क्लियर है यहाँ तक? आज का हमारा जो टॉपिक है और आज का जो हम सेशन आप लोगों के साथ जो करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा रहेगा बिजनेस मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने सीखा था लीडरशिप मैनेजमेंट, फिर हमने सीखा टीम मैनेजमेंट, और आज हम आप लोगों के बीच पेश करने जा रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये तीन लेवल पर काम होना। एज अ लीडर मुझे क्या करना है वो मुझे क्लियर होना चाहिए, जो हमने लीडरशिप में सीखा। फिर अगर मेरे पास टीम है, एक बंदा है, दो है, पांच है, दस है, पंद्रह है, बीस है, 500 है, 1000 है, जितने भी लोग हैं, तो मुझे ये क्लियरिटी होनी चाहिए उनसे मुझे क्या करवाना है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा पूरा बिजनेस, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑल ओवर बिजनेस कैसे मैनेज होता है। तो आज हम उसको गहराई के अंदर बात करेंगे कि यह होता कैसे। सबसे पहले मेरे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर करवाना चाहूंगा कि आज के दिन में हम क्या क्या बातें करेंगे। बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर बात होगी, 97 बिजनेस जो है वो स्ट्रगल कर रहे, उसके क्या रीजन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ये ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद आगे हम डिस्कशन करेंगे 6 पिलर्स, कि किसी भी बिजनेस को अगर सस्टेन होना है, ग्रो होना है, मल्टीपल अगर होना है, तो उसके जो 6 पिलर्स है वो स्ट्रांग होने जरूरी है। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। लेकिन आज के सेशन में कुछ ट्विस्ट लेकर आते हैं कि कोई भी बंदा अगर झपकियां ले रहा है या कोई भी बंदा अगर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया है, तो मैं बीच में ही रुक कर मैं बोल दूंगा हेलो। क्या बोलूंगा? हेलो। आप लोगों को क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है मुझे क्लैप करके, रिस्पॉन्स करना है मुझे क्लैप करके, अगला जो है ना वो झपक जाएगा। ओके, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। हेलो हेलो, एक ही बार, हेलो हेलो हेलो, ग्रेट। तो ये प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी बीच बीच में। ओके, बाकी तालियां क्यों बजाना जरूरी है वो तो आप लोगों को पता चल चुका है, तो वो बजाते रहना है। तो ये पूरी जर्नी जो रहेगी उसके अंदर सबसे पहली जर्नी हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। तो कोई मुझे बताएगा कि बिजनेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? आप लोगों के सामने ही है। बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अभी तक जो आप करते आ रहे हो वो है आपका आर्ट, और आज आप लोगों को पता चलेगा उसका साइंस। तो ये दोनों का कॉम्युनिकेशन, ये दोनों का कनेक्टिविटी है। कई बार हमने जो धंधा करना सीखा या बिजनेस के अंदर आ गए और बिजनेस में काम करना शुरू किया, तो हमारी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल से एक कलाकारी हो गई है, जो कलाकारी हमने अपने दम पर सीख ली और उसी के हिसाब से हम आज भी बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन साथ में अब हमें समझना पड़ेगा कि इसमें साइंस भी है, और साइंस का नियम क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या है, कि कोई भी चीज आप ऊपर डालोगे वो नीचे आएगी, बराबर। तो ऐसा ही यहां का नियम बोलता है कि ये चीजें जब आप करोगे तो उसका रिटर्न जो लोगों को मिलता है वो आपको भी मिले, देखते हैं कैसे। सही बात है? अगर आपके फादर बिजनेस में होगे तो उन्होंने आपको सिखाया होगा, आपके ब्रदर अगर बिजनेस में होगे तो उन्होंने सिखाया होगा, आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ शुरू किया होगा तो उन्होंने सिखाया होगा। बाकी कितने लोग यहाँ बैठे ऐसे हैं जिन्होंने किताबें पढ़कर बिजनेस करना शुरू किया, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास बिजनेस का नॉलेज जो है, मेरा कहने का मतलब है प्रैक्टिकल है, कि खुद किया, खुद गिरे, खुद ने सारी चीजें समझी और उसी से उन्होंने बिजनेस को खड़ा किया। तो आज हम दूसरे तरीके के ऊपर जाएंगे जिसको कहा जाता है साइंस। और साइंस का मतलब क्या होता है? तो साइंस का मतलब होता है साइंटिफिक स्टेप, कि कोई भी फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई करना होता है तो उसके स्टेप होते हैं, और वो स्टेप के हिसाब से अगर हम फॉर्मूला यूज करें
तो उसका जो आउटकम है वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।